नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इनविटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इनविटेशन का फॉर्मेट क्या है, इनविटेशन कैसे लिखते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, क्लास 12 में ये आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है। गाइज इसका दो टाइप होता है इनविटेशन का, फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो टाइप के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग का टाइप के बारे में नहीं पूछा जाता है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइज पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया क्वेश्चन में, मिस्टर पी के शर्मा इन्वाइट्स पंकज कपूर ऑन हिज डॉटर्स मैरिज, राइट द इन्विटेशन। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहा गया यहाँ में कि मिस्टर पी के शर्मा जो है वो इन्वाइट कर रहे हैं पंकज कपूर को, किसके लिए, किस लिए इन्वाइट कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर पी के शर्मा का बेटी का शादी है उसमें इन्वाइट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक इन्विटेशन लिखना है। तो इन्विटेशन का फॉर्मेट ये हो गया, सेम इसी तरीके से लिखना है। इस तरीके से लिखेंगे आपको 5 मार्क्स मिलना है, ठीक है, 5 मार्क्स मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ में किसका बेटी का शादी हो रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिखना है, फिर आप किसको इनवाइट कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है, फिर यहाँ पे लड़की लड़का जो भी है उनके बारे में लिखेंगे, फिर यहाँ पे कितने तारीख को हो रहा है और ये कितना बजे हो रहा है ये सब लिखना है थोड़ा थोड़ा बात, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब बात। मिस्टर एंड मिसेस पी के शर्मा, मिस्टर और मिस्टर्स पी के शर्मा जो हो गए उनको खुशी हो रहा है, हैव टू प्लेजर टू इनवाइट, इनवाइट करके ये खुशी हो रहा है। पहले ये लिखेंगे हम लोग, जिसका बेटी का शादी हो रहा है उनके नाम, और ये हैव टू प्लेजर टू इनवाइट ये आपको लिखना है, ठीक है। मिस्टर पंकज कपूर, किसको इनवाइट किया जा रहा है, मिस्टर पंकज कपूर को, क्वेश्चन में कह दिया है, इन द ओकेशन ऑफ देयर डॉटर्स मैरिज, किस लिए इनवाइट किया जा रहा है, क्योंकि उनका डॉटर का शादी हो रहा है उसके लिए, ठीक है, इन द ओकेशन ऑफ देयर डॉटर मैरिज। फिर कहा यहाँ पे किसका किसका बेटी का नाम क्या है, अनुष्का बेटी का नाम हो गया, और विराट वो लड़का जिससे उनका शादी हो रहा है, ठीक है, वो लड़का हो गया उसके बारे में यहाँ लिखा, सन ऑफ मिस्टर राजेश, ये जो विराट है ये किसका बेटा है, राजेश का हो गया, ऑन 15 सितंबर 2020, इतना तारीख को शादी होगा, ठीक है। एट मैरिज हॉल, कहाँ पे होगा, मैरिज हॉल में होगा, और 7 PM ऑनवर्ड्स। लास्ट में आपको क्या करना है, ये बॉक्स बनाना है, बॉक्स में एक मार्क्स रहता है। तो गाइस सेम इसी तरीके से लिखना है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग देखकर इनविटेशन को और क्लियर करते हैं, और इनविटेशन इसके बाद में आपका क्लियर और 5 नंबर इसी तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिए। तो गाइस दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मिस्टर कुणाल इन्वाइट्स रोहन ऑन हिज बर्थडे पार्टी, राइट द इन्विटेशन। क्या कर रहा है मिस्टर कुणाल जो हो गया वो इन्वाइट करना चाहता है रोहन को ऑन हिज बर्थडे पार्टी, अपना बर्थडे पार्टी में, राइट द इन्विटेशन। इसके लिए आपको क्या लिखना है, इन्विटेशन। तो सिंपल है, सेम पहले जैसा ही है। पहले हम लोगों ने मैरिज के लिए किया था कि उनका बेटी का शादी हो रहा था, अगर उनका बेटा का शादी हो तो सेम उसी तरीका से लिखना है। तो मैरिज पार्टी के लिए उसी तरीका से लिखना है इन्विटेशन, और ये हो गया बर्थडे पार्टी के लिए टाइप टू, ये भी आपको उसी तरीका से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा सबसे पहले मिस्टर कुणाल, क्योंकि मिस्टर कुणाल इन्वाइट करना चाहता है। मिस्टर कुणाल हैव टू प्लीजर टू इन्वाइट, मिस्टर कुणाल आपका क्या करना चाह रहा है, उसको खुशी हो रहा है कि इन्वाइट करते हुए, हैव टू प्लीजर टू इन्वाइट, खुशी से आपको इन्वाइट किया जा रहा है। मिस्टर रोहन, किसको इन्वाइट कर रहा है, मिस्टर रोहन, इन ओकेशन ऑफ हिज बर्थडे पार्टी, किस लिए बुला रहा है, क्योंकि उसका बर्थडे पार्टी हो रहा है उसी वजह से वो बुला रहा है, ठीक है, किसको, रोहन को, ठीक है। उसके बाद बोला कब होगा ये, ऑन 15 सितंबर 2020, इतना तारीख को होगा, 8 कहाँ पे होगा, होटल ईस्ट इंटरनेशनल, 4 PM ऑनवर्ड्स। तो सेम उसी तरीका से पहले यहाँ में जिसका बर्थडे पार्टी हो रहा है या जिसका मैरिज हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, फिर जिसको इनविटेशन दे रहे हैं उसके बारे में लिखना है, फिर ऑन लिखना है, ये तो सब में लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर एट कहाँ पे हो रहा है ये लिखना है, फिर कितना बजे हो रहा है, चार बजे शाम को हो रहा है तो 4 बजे शाम को 7 बजे हो रहा है तो शाम को 7 बजे, इस तरीका से हम लोग को लिखना है। हैव टू प्लेजर ये सब में रहेगा, इन ओकेशन ऑफ ये भी सब में रहेगा, तो इनविटेशन इसी तरीका से लिखना है, ठीक है। गाइज ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ इसको तरीका चाहिए किस तरीका से लिखना है। और यहाँ पे ये देखिए एकदम ये यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन में ये जो लिखना स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन में, कहीं कहीं ये एट देना है, ऑन देना है, ये टू इनवाइट देना है, ये सब बीच में दिया जाता है, ठीक है। तो गाइज ध्यान में रखिएगा इसको और इस तरीका को फॉलो कीजिएगा, आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो ये इनविटेशन आपका कंप्लीट हुआ, मैंने आपको नोटिस करा दिया, नोटिस, फिर इनविटेशन, पोस्टर राइटिंग, और फिर से आपका एक और था एडवर्टाइजमेंट,
एडवर्टाइजमेंट, ये चारों करा दिए, जो कि आपका 5-5 मार्क्स का एग्जाम में रहता है। आपका नोटिस और पोस्टर राइटिंग में से कोई एक रहता है, इनविटेशन और एडवर्टाइजमेंट में से कोई एक रहता है, मतलब 10 मार्क्स का ये हो गया टोटल। और बहुत ही इजी है ये सब, 10 मार्क्स आप ऐसे ही कैरी कर सकते हैं, तो ये 10 मार्क्स के लिए आपका रहेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो गाइस ध्यान में रखिएगा, और अगर इन सारे वीडियो का आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, या आप सर्च कर सकते हैं आपका नोटिस बाय MD फारूक, एडवर्टाइजमेंट बाय MD फारूक, पोस्टर राइटिंग बाय MD फारूक, ऐसे भी मारने से आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये था आपका इनविटेशन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।